देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सनु जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने 2800 के बाद 2900 का लेवल दिया था, वो अचीव होता नजर आ चुका है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2021 अंत होने को है, तो क्या साल 2022 में बिनौला खल में शानदार कीमतें देखने को मिल पाएंगी? देखिए, बिल्कुल बिनौला खल हमें लग रहा है कि ऊपर में 3000 का लेवल अभी नीचे ही है। अगर वो ब्रेक होता है तो 2500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल की एक में खरीदारी का ट्रेंड बनाए, ऊपर में 3000 और उसके बाद 3200 तक का लेवल देखा जा सकता है। डिमांड यहाँ पर बड़ी है और इस बार अगर हम खल की जो पैदावार है उसके अगर बारे में बात करें कि उसका प्रोडक्शन है, कॉटन का जो प्रोडक्शन है उससे जो खली तैयार होती है वो करीबन 10-15% कम बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं डिमांड साइड बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि 3000 और फिर 3200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी, तो यानी कि सप्लाई और डिमांड के बीच का जो अंतर है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है, सप्लाई थोड़ी कम है खल की और डिमांड ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है बिनौला खल की, जिसकी वजह से बिनौला खल की जो कीमतें अनुज गुप्ता जी के मुताबिक आगे तेजी दिखलाती नजर आ सकती हैं। 3000 का लेवल टच करने के बाद बिनौला खल ऊपर में अनुज गुप्ता के मुताबिक 3200 तक जाता नजर आ सकता है। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।